चलिए भाई नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर कैसे हैं आप सभी आशा करते हैं कि सब शानदार बढ़िया और जबरदस्त चल रहा होगा तो बच्चों रेलवे एलपी के लिए हर रविवार को हम लोग मॉक टेस्ट अप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री में कराते हैं और ये मॉक टेस्ट आपकी परीक्षा के लिए आपको खूब हेल्प करते हैं आपकी परीक्षाओं में चार चांद लगाते हैं और सबसे जरूरी होता है मॉक टेस्ट में आप अपनी क्वालिटी अपनी स्पीड अपनी मैनेजमेंट समय को लेके इन सभी चीज़ों को समझ पाते हैं तो इसलिए आपके पास मॉक टेस्ट को लगाना बहुत जरूरी होता है साथ ही साथ उस मॉक टेस्ट का सल्यूशन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है इसलिए आज का जो मॉक टेस्ट था मॉक टेस्ट नंबर दूसरा खूब बेहतरीन तरीके से बनाया गया था और इस मॉक टेस्ट का सलूशन अब हम लोग यहाँ पर इस क्लास में देखने वाले हैं कि मॉक टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे आप इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से आसानी से लगा सकते हैं कुल मिला लगभग डेढ़ हजार से ज्यादा बच्चों ने मॉक टेस्ट को लगाया है एक बार सभी साथी बता दीजिए कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस वाले यानी इस संडे का आज जो हुआ था

चलिए अब स्टार्ट करते उससे पहले यह किताब आपके पास कॉम्बो में मात्र 225 की है लगभग 4000 से ज्यादा ऑर्डर हो चुके हैं हजार बच्चों के लिए दो सौ पच्चीस की थी शायद कल तक की आपके पास किताब दो सौ पच्चीस की हो जाएगी और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसी आ चुकी है आपके पास उसका बैच आ गया है वो भी आप यहां पर ले सकते हैं चलिए आंसर करना शुरू करिए जोरदार तरीके से सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट का अब आप की क्वालिटी देखिएगा और कंपेयर करिएगा अपने आप को कि आप कैसे लगा पाएंगे आपको और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको और कितना अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा अपने आप को तपना पड़ेगा जरा समझिएगा अर्धवार्षिक मामला चल रहा है जो पूरा पैसा है वो पचास हजार रुपए है आठ परसेंट का मामला है एक साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया है कितना होगा अच्छा मैथ हार्ड था अभी देखते हैं कि हार्ड था या नहीं था यहीं से पता चल जाएगा ठीक है अब देखो कभी भी अर्धवार्षिक आंसर कितना आया था भाई बच्चों का चार हजार अस्सी कंफर्म है एकदम आइए जरा समझिए अगर कभी भी अर्धवार्षिक होगा तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप में आधा हो जाएगा और समय जो होता है वो आपके पास डबल हो जाएगा एक का दो हो जाएगा अब आपको पचास हजार रुपए पर चार प्रतिशत के हिसाब से दो सालों का ब्याज कितना मिलेगा आप कहेंगे सर चार दुनिया आठ और चार का स्क्वायर सोलह क्या इतना ही प्रतिशत ब्याज मिलेगा पक्का है अब मुझे क्या करना इसका एट पॉइंट वन सिक्स प्रतिशत ब्याज निकाल देना है ये पॉइंट हटाया ये दो जीरो खत्म हो गए ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म हो गए पांच का मल्टीप्लाई करना है आठ सौ सो सोलह में तो सोलह पच्चे अस्सी और आठ पंचे चालीस कमेंट बॉक्स में सबके ऑप्शन नंबर ए आने चाहिए क्योंकि बेहद आसान क्वेश्चन था इससे आसान क्वेश्चन आपके पास नहीं हो सकता था इसको हमने खूब आसानी तरीके से सॉल्व कर लिया और यही आपके पेपर में आया था ठीक है तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब ही भी आपके पास हाँ जब ही भी आपके पास इस तरीके से आ जाए कि चार परसेंट पे दो साल के निकाल दिए तो ये सॉटिक यानी एस जी कंसेप्ट आपके पास होता है जो आपको बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करा देता है और इजी तरीके से कर पाते हैं चलो भाई ये देखो क्या लिखा हुआ है इसको बारह एक बटे दो आपके एस में सही लिखा हुआ था यहां पर आपके पास इस तरीके का दिख रहा है और यह लिखा हुआ है आठ एक बटा दो अब क्या कह रहा है प्रश्न को पढ़िएगा आपसे क्या कह रहा है कुल परिवर्तन बताइए क्या होगा बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये शानदार क्वेश्चन है पेपर के लिए महत्वपूर्ण है काफी ज्यादा पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए आपको भाई आने चाहिए अगर आपको नहीं आता है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और नंबर आपके ऐसे ही फिर कम आते जाएंगे और आप अपने आप को एक समय के बाद बच्चों संभाल नहीं पाओगे चीज को हमेशा ध्यान रखना और हमेशा देखना कि अगर नंबर रहे हैं तो क्यों कमा रहे हैं इस खूब वर्क करो जितना काम करोगे उतना मजा आएगा काम नहीं करोगे तो सब कुछ भूल जाओगे फिर यार कैसे कर सकते इस तरह के क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं कैसे नहीं लगा सकते चलिए दूसरा वाला आंसर किसका किसका है जरा सभी लोग एक बार बता दीजिए जिसका जिसका आंसर आ गया दूसरा वाला नहीं आया अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं लगा पाओगे तो कैसे काम चलेगा अगर इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं लगा पाओगे तो कैसे काम चलेगा चले देखिए आंसर बी आ रहा है पक्का है एकदम क्लियर है बी आएगा आइए देखते बारह एक बटे दो को दुनिया का हर बच्चा जानता है कि एक बटे आठ लिखते कैसे बारह दुनिया चौबीस और एक पच्चीस बटे दो परसेंटेज का मतलब क्या होता है बटे में सौ होता है तो पच्चीस चौका सौ एक बटे आठ आ गया ठीक है यानी कोई पैसा आठ रुपए से नौ रुपया बढ़ गया टिकट की प्राइस अब हुआ क्या एक बटे दो परसेंटेज को नीचे लाओगे तो सत्रह बटे दो सौ हो गया यानी जो बिक्री थी वो पहले दो सौ हुआ करती थी अब दो सौ सत्रह हो गई यही तो हुआ जो आपके पास टिकट का मूल्य था पहले आठ रुपए था वो नौ रुपए हो गया जो बिक्री थी वो पहले आपके पास दो सौ थी अब दो सौ सत्रह हो गई यानी सोलह सौ रुपए का जो सामान था वो अब आपको कितने का मिल रहा है नौ से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया उन्नीस सौ तिरपन रुपए का मिल रहा है सोलह सौ रुपए का सामान उन्नीस सौ तिरपन का मिल रहा है तो कितने का हो गया आप जरा यहां निकाल लो सोलह तीन उन्नीस तीन सौ तिरपन रुपए ज्यादा का हो गया कितने पे सोलह सौ रुपए पे गुणे सौ कर लो बस यही सोल्यूशन था अब सोचो कितना आसान है आपको लगाने के लिए सोलह दूनी बत्तीस ये आपके पास कितना आएगा कट गया बत्तीस तीन पैंतीस फिर सोलह दोनी बत्तीस आ गया एक आएगा फिर आपके पास संख्या कटेगा नहीं तो जीरो बार लेकर जाएंगे तो बाईस पॉइंट जीरो में ऑप्शन नंबर सिर्फ बी है ये लेटेस्ट क्वेश्चन है पेपर में आया था हर बच्चा लगभग इस क्वेश्चन को गलत किया था लेकिन अगर आपको आएगा तो आप सही कर पाएंगे नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा और ये कब का क्वेश्चन है ये अब का क्वेश्चन इस तरीके का है कि अगर सिलेक्शन लेना है आपको तो ऐसे ही क्वेश्चन फिर आपको चाहिए अदरवाइज आसान क्वेश्चन तो हर चैनल पर मिल जाते हैं लाइक का बटन तो खूब तेजी से दब रहा है क्या बात है भाई जिन्होंने नहीं करा है वो भी जल्दी से लाइक कर दो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्या होगा आइए नेक्स्ट पे सभी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट होता है ठीक है एल पी क्या कह रहे है सभी सब्जेक्ट का ऑलराउंडर बैच सब स्टार्ट है।, है नहीं आपको और खाली बदमाशी करोगे ए बराबर साठ बी बराबर तीस क्या पूछा गया है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या ये फॉर्मूला होता है किसका साइन ए प्लस बी का यही तो फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कौन साइन बी खत्म हो गया अब ए और बी की वैल्यू साठ और तीस है यानी साइन नब्बे और साइन नब्बे की वैल्यू वन होती है क्या ऑप्शन नंबर डी आया है देखो एक बार कमेंट में ऑप्शन नंबर डी क्या दुनिया के सभी बच्चों का आया है कठिन सा लग रहा है कि यार बड़ा कठिन सा क्वेश्चन था मैं क्यों नहीं कर पाया कठिन था नहीं ना कठिन था यही क्वेश्चन आता है दो सवाल एक आपके हाथ में आने वाला है जल्दी से ठोक दीजिएगा अगले क्वेश्चन और हमने एक मॉपटे से सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है जो नहीं कवर हो रहा है वो भी आपके पेपर में आएगा इसलिए हर संडे का मॉक टेस्ट लगाइए बहुत काम आने वाला है 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त है ये मान लो पच्चीस है और ये मान लो आपके पास बीस हो गया ठीक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है सीधी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यहां से खींची जाती है अब आपसे क्या कहता है कि स्पर्श रेखा दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 35 है स्पर्श रेखा क्या होगी केंद्रों के बीच की दूरी पैंतीस है स्पर्श रेखा क्या होगी बताओ भाई केंद्रों के बीच की दूरी मतलब डी अभ स्पर्श रेखा क्या होता है हम कहेंगे सर अंडर रूट में केंद्रों की बीच की दूरी का स्क्वायर अंडर रूट में केंद्रों की बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर यही होता बस और कुछ नहीं होता अब रख लो सब डी स्क्वायर मतलब पैंतीस का स्क्वायर माइनस रेडियस कितना है पहले का पच्चीस और बीस पच्चीस में से बीस घटा लो पांच का स्क्वायर अब आप चाहो तो सॉल्व करो चाहो तो ना करो एक ब्रैकेट भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी क्या आएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी पैंतीस और पांच चालीस पैंतीस में से पांच घटा लो तीस ठीक है तो मैं इसको लिख सकता हूं का चार ऐसे लिख लो इसको चार तिया बारह गुड़े सौ यही तो है भाई देखो चार, गुणे चार आएगा दो के फॉर्मेट में सौ बाहर आएगा दस के फॉर्मेट में रूट थ्री बचा रह गया दस बीस रूट थ्री, क्या ऑप्शन नंबर देखिए बीस रूट थ्री सी डी आया है सभी का बोलो भाई मलिंगा मोहित ज्योति कुमार जी गिरीश जिसको मजाक करना है वो मजाक कर ले जैसे मलिंगा का वीडियो रुक रहा मलिंगा रुकेगा बच्चा क्योंकि आप पढ़ने नहीं आए आपने जब पहले क्वेश्चन पे कमेंट किया था ना कि सर मेरा इस तरीके का हो रहा है मेरा उस तरीके का हो रहा है शॉर्ट तरीके से बताओ तभी मैं समझ गया था कि आप पढ़ने नहीं आए हैं ठीक है इसलिए कोई फायदा नहीं है मेरे भाई आप देखते रहो वीडियो रुकवाते रहो सारी चीजें करते रहो समय ऐसे निकल जाएगा और जो मलिंगा अपना नाम रखा हुआ वो भी इसी समय के साथ चलता चला जाएगा इसीलिए जीवन को सीरियसली लेना शुरू कर लो पढ़ना शुरू कर लो अभी तक नहीं पढ़ रहे हो तो क्योंकि इससे ज्यादा आसान इससे ज्यादा बेहतर काम नहीं हो सकता बाकी मजाक तो करते रहना कौन सी संख्या तेरह जीरो इक्यावन के पास में है और नौ से कट रही है अब पास में देखो सब कुछ देखने को मिल रहा है ऐसा नहीं है कि कोई संख्या पास में नहीं है नौ से कटने के बारे में पूछा है तो संख्याओं का जोड़ नौ से कटेगा तो संख्या भी कटेगी जैसे पहला देखो छह तीन नौ पांच एक छह ये नहीं कटेगा क्योंकि नौ नौ होना चाहिए तभी कटेगा अच्छा फिर पांच तीन आठ एक नौ फिर यह सिर्फ सात बचा यह भी नहीं कटेगा चलो ठीक है उसके बाद नौ कट गया पांच तीन आठ एक नौ यही संख्या होगी मुझे लग रहा है जो कटेगी आठ भी नहीं कटेगा तो ऑप्शन नंबर सी क्या कमेंट तो में सी आया है बोलो भाई पंकज परवेज मनोज राहुल सौम्या सबका सी आया है आसान था कर पाए हैं मुश्किल आया है कहीं भी नहीं नेक्स्ट पे आ जाइए जब आसान है तब तो कोई समस्या नहीं है।, है ना आसान है फिर तो कोई समस्या नहीं फिर तो हम आराम से कर सकते हैं ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पर नजर घुमाइए अब ये देखिए क्वेश्चन कितना ज्यादा देखने में बड़ा लग रहा है कि ऐसा लग भी रहा है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा ऐसा समस्या आ रहा है ना आइए जरा समझिए एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर छह बजे पचहत्तर किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है दूसरी क्यों से चल रही है आठ बजे एक की रफ्तार से दोनों के बीच की दूरी छह है तो रेलगाड़ियां किस समय पर मिलेंगे बताइए और एक सौ निन्यानवे लाइक कर ली है।, है दो सौ दबा दबाओ किसी ने नहीं दबाया देखो भाई कौन है बदमाश करा जाए चलो अब आओ समझो बहुत ध्यान से ये ये पहली ट्रेन हो गई स्टेशन पी ये स्टेशन क्यू हो गया स्टेशन पी से क्यू तक का जाना है दूरी है छ पूरी मिला के ये चल रही है सुबह छह बजे मतलब शाम को छह बजे और ये चल रही है रात में आठ बजे इसकी स्पीड आपके पास है पचहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड है आपके पास 105 किलोमीटर प्रति घंटा यह स्पीड दे रखी है ठीक है भैया पक्का है एकदम क्लियर है चलो अब समझते हैं अब क्या मैं यहां पर कब मिलेंगी निकाल सकता हूं एक बार जरा हाया ना में बता दो नहीं निकाल सकता ना क्यों नहीं निकाल सकता मैं तब तक नहीं निकाल सकता कि दोनों कब मिलेंगी जब तक दोनों के चलने का समय बराबर ना हो जाए यह हमेशा ध्यान रखिएगा दो ट्रेनें दो कारें दो कुछ भी कब मिलेंगी आपस में मैं तभी निकाल सकता हूं जब दोनों के चलने का समय बराबर कर दो तभी तो ये छह बजे चली है ये आठ बजे इसको भी दो घंटा ज्यादा चला दो आठ बजे यहां पर पहुंचेगी पचहत्तर की स्पीड से चलेगी दो घंटे तो डेढ़ सौ किलोमीटर चल जाएगी अब छह सौ नब्बे में से डेढ़ सौ माइनस कर लो कितना बच गया पक्का है चार सौ चालीस बच गया अब चार सौ चालीस चल रहे हैं दोनों अपोजिट में है पचहत्तर और एक सौ अस्सी हो गया पक्का पांच सौ चालीस अच्छा पांच सौ चालीस कर लो पचहत्तर 105, 105 आया तीन घंटे में अब आठ बजे के बाद तीन घंटा जोड़ लीजिए कितना आ गया आठ बजे के बाद तीन घंटा जोड़ लीजिए क्या रात में ग्यारह बजे आ जाएगा बोलो कठिन लगा है कि नहीं कर पाओगे ऐसा कुछ आसान है बस आपको थोड़ा सा सोचना है और क्वेश्चन को निपटा देना नहीं सोच पाओगे तो क्वेश्चन नहीं निपटेगा फिर मुश्किल लगेगा कि कैसे करना है ठीक है नेक्स्ट पे आ जाइए अपने दिमाग को खूब रिलैक्स करो मॉक टेस्ट में आज मैं बहुत नाराज हूं क्योंकि मॉक टेस्ट में बच्चे इतना खराब प्रदर्शन कर रहे हैं मैं सोच रहा हूं कि कैसे सिलेक्शन होगा भाई आपका अली अवतार और अशोक आठ दिन में करते हैं अली अवतार और अशोक किसी काम को आठ दिन में करते हैं अली अकेले बीस दिन में अवतार अकेले चौबीस दिन में है ना अशोक अकेले कितने दिन में करेगा तीनों मिलके कितने दिन में करते हैं आठ दिनों में ये अली अवतार और अशोक ये तीनों मिलके आठ दिन में बोलो 120, 20, चेक 120, 20 24 25, 25, 28, 120. तीनों मिला के कुल काम है 120। किसकी क्षमता चाहिए किसकी क्षमता चाहिए जिसके बारे में पूछा जाए अशोक के बारे में उसी की क्षमता चाहिए होगा ठीक है अली की क्षमता छह है अवतार की क्षमता पांच है छह पांच ग्यारह यही हो गए पूरा पंद्रह था पंद्रह में से ग्यारह माइनस करोगे चार यानी कि अशोक की क्षमता चार होगी तो कितने दिन में करेगा तीस दिनों में बोलो मुश्किल है ठीक है समझ पाए क्या यह मुश्किल लगा कि नहीं कर सकते हैं क्या ये कठिन सा लगा भाई मेरे सीरियस होना पढ़ाई को लेकर क्यों नहीं बदमाशी करते हो क्यों इतना आ, कम क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हो यार अगर आपके किसी भी हालत में 40-45 से कम नंबर है तो सिलेक्शन भूल जाओ मैं भले कितना बुरा आज बोल दे रहा हूं लेकिन यह बात सत्य है कड़वा सत्य है सिलेक्शन भूल जाओ फिर आठ परसेंट हिसाब से तीन साल का साधारण ब्याज आठ परसेंट के हिसाब से सात साल के साधारण ब्याज से इतना रुपए कम है यह ब्याज कम है और ब्याज क्या होता है आर इन यानी पहले उसे ब्याज मिलेगा चौबीस आठ तीक चौबीस और दूसरा आठ छत छप्पन हमारे हिसाब से कितना आ रहा है छप्पन में से चौबीस माइनस कर लो 6 में से चार जाएगा दो बत्तीस आ रहा है लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है, नहीं इक्यानवे सौ बीस है तो बत्तीस की वैल्यू उतना मुझे चाहिए सौ की वैल्यू निकालो, चार से काटे कि आठ से काटे आठ से कटेगा आए हाँ? काटो आठ चौक बत्तीस आठ एक 8 आठ एक नौ आठ एक नौ आठ तीन ग्यारह आठ चौक बत्तीस चार से कटा दो सौ पचहत्तर पचासी दो सौ पचासी सौ की वैल्यू दो सौ पचासी डबल जीरो देखो आया है पक्का है आसान लग रहा है कठिन लग रहा है ठीक है बोलो भाई आज ज्यादा क्वेश्चन मैथ्स में मैं नहीं कराऊंगा रीजनिंग वाले सर ही आपको पास कराएंगे ठीक है मैं उन्हीं को बुला देता हूं ज्यादा क्वेश्चन आज मैथ के मैं कराऊंगा नहीं आज आपको कोई पेपर बहुत आसान था कितने कितने नंबर बने मुझे एक बार बता दीजिए कितने कितने नंबर बने आज आप लोग के मैंने सबके नंबर देख लिए दिखाने लायक नहीं है तो क्या दिखा दू सब होगा आज ही होगा कितने कितने नंबर बने बहत्तर नंबर मोहित तीस नंबर ठीक है नंबर नंबर याद हो जी 30 पे किस एग्जाम में सिलेक्शन लोगे टेस्ट कहां होता अभी ये बात पूछ रहे हैं कि टेस्ट होता है इसी प्लेनेट पे होता भाई मेरे टेस्ट, और कहीं नहीं होता इसी प्लेनेट होता यहीं पर टेस्ट होता यहीं पर सारी चीजें अब आप खुद के नंबर देख लो कि कितने कम आपके नंबर आ रहे इससे आप अंदाजा लगा सकते हो है ना सिर्फ संडे को एग्जाम होता है इससे आप अंदाजा अपना लगा सकते हो कि आप कहां पे खड़े हो और कैसे कर पाओ ये देखो आसान सा क्वेश्चन ये भी बच्चों ने गलत किया मतलब सोचो इतने आसान आसान क्वेश्चन आज मैंने दिए थे एग्जाम ओरिएंटेड सारे थे सारे आसान थे सब कर सकते थे वो भी आप गलत कर रहे थे ठीक है चौथा अनुपात पूछा था तो क्या चाहिए था बी इन टू ये भी लगा ले सकते थे आराम से ठीक है तो रीजनिंग सर को भेज दीजिए ठीक है ये भी आराम से लगा सकते थे तो कितना आ रहा था मैक्सिमम बच्चों का आंसर कर सकते थे ठीक है तो आज अब आप रीजनिंग का सोल्यूशन देख लीजिए ठीक है रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आपके पास अब होने वाला है जो भी आपके सेक्शन में रीजनिंग आए थे महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं इसलिए रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे वो अब आप यहां पर आपके पवन सर रीजनिंग के जो रेलवे के रीजनिंग पढ़ा भी रहे सर आपको यहां पर कराने वाले आइए सर हेलो गुड इवनिंग शुरू किया जाए बढ़िया राधे 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 राधे, राधे। गुड इवनिंग हाय हेलो बहुत बढ़िया चलिए तो रीजनिंग शुरू किया जाए गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग बढ़िया एक बार लिख दीजिए सभी लोग ठीक बा चलिए चलेंगे सारी जगह क्लास चलेंगे परेशान ना होइए आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं क्या दिया हुआ है सभी लोग देखिए ठीक बा ठीक राधे राधे जय भीम क्या हुआ भाई सतविंदर <laughs> चलिए आ जाइए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सही है चलिए आइए शुरू किया जाए तो क्या दिया हुआ है सभी शासक मशीने हैं यहां पे बना देते हैं <coughs> जितने भी क्या है शासक हैं मशीन है यही लिखा हुआ है ऑल रूलर्स आर मशीन यही है तो ये क्या है रूलर है और ये क्या है मशीन दिए हुए हैं ठीक है फिर क्या है सम मशीन आर एक्सपेंसिव आइटम्स मशीन आर एक्सपेंसिव आइटम है ठीक है क्या है एक्सपेंसिव आइटम दिए हुए हैं बिल्कुल अब कंक्लूजन चेक करें कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं क्या दिया है सम रूलर्स आर एक्सपेंसिव गुड्स यही है रूलर्स और एक्सपेंसिव गुड्स में कोई क्या लेना देना है नहीं लेना देना है क्या है कोई भी निश्चित कंक्लूजन नहीं कह सकते कोई भी निश्चित कंक्लूजन नहीं कह सकते तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया हमारा गलत हो गया दूसरा दिया हुआ है कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं कुछ क्या है महंगी वस्तुएं जो हैं वो मशीनें हैं ये वाला पार्ट क्या है बिल्कुल है मतलब सेकंड वाला क्या हो गया सही हो गया क्लियर है सेकेंड वाला सही हो गया तीसरा दिया है ऑल एक्सपेंसिव गुड्स आर मशीन आल एक्सपेंसिव गुड्स आर मशीन है क्या नहीं है क्लियर बोला है पॉसिबिलिटी बोला होता तो सही होता क्लियर निश्चित बात गलत क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी तो ऑप्शन क्या है सेकेंड कंक्लूजन हमारा सही है केवल निष्कर्ष दूसरा सही है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बहुत बढ़िया दोबारा से हो जाएगी कर लीजिए राहुल चौहान कोई दिक्कत नहीं है ठीक है दोबारा से कर लीजिए ऑर्डर हो जाएगी हाँ बिल्कुल चलिए आगे बढ़े अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मगरमच्छ जलीय जंतु सरी क्रोकोडाइल एक्वेटिक एनिमल और रेप्टाइल यही है तो आप देखोगे क्रोकोडाइल क्या है रेप्टाइल होता है होता है तो दो चीजें तो कंफर्म हो गई मतलब क्या है अगर ये क्रोकोडाइल है इसके ऊपर रेप्टाइल उसके बाद ये क्या है एक्वेटिक एनिमल हो जाएंगे क्लियर तो बी ऑप्शन इसका भी सही होगा बी सॉरी सी ऑप्शन इसका बी ऑप्शन है भैया ऑप्शन देख करके लगाना <coughs> बी ऑप्शन दिया हुआ है सी नहीं है यहां पर ठीक है ऑप्शन सभी लोग एक बार देख लीजिएगा ठीक है ऑप्शन देख के आपको लगाना है Clear है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है उस आकृति का चेन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति क्या है छिपी हुई है देखिए सभी लोग क्या होगा बी नहीं भैया डी ऑप्शन होगा इसमें सिर्फ आपको मैच करना है ठीक है डी ऑप्शन होगा फिगर वाले क्वेश्चन में ज्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़े डी ऑप्शन चलिए ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया हुआ है ये भी कितना आसान क्वेश्चन है है क्या दिया हुआ है? यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाए क्या बनाया जाए इफ द गिवन फिगर फोल्डेड टू फ्रॉम अ क्यूब बनाया जाए अगर उसको सिंबल्स विल अपियस ऑन द सर्फेस अपोजिट टू द सर्फेस मार्क्ड क्या हैज बना हुआ है अपोजिट क्या होगा ठीक है अपोजिट आप देखोगे तो हम लोग क्या करते हैं जब फिगर ऐसे दिया हो तो अपोजिट क्या होते हैं ये दूसरे एक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ठीक है अल्टरनेट जो होते, है, वो एक दूसरे के होते हैं और ये क्या हो गए एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो यहां क्या हुआ आंसर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर ठीक है क्लियर ऑप्शन ए क्या हुआ करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया चलिए जबरदस्त देखिए आसान सा क्वेश्चन ये भी नेट नहीं चल रहा है चल जाएगा भैया थोड़ा नेट बचा के रखा करो रात के लिए भी क्या दिया हुआ है यहां पे देखिए सत्रह बारह सात दिया हुआ है ठीक है सत्रह बारह सात दिया हुआ है सत्रह सत्रह बारह सात दिया है आप क्या करोगे जब नंबर क्या पहले स्क्वायर और क्यूब चेक कर लो नहीं दिया है तो आपस में इनके क्या रिलेशन हो सकता है ये भी देख सकते हैं ठीक है गैप निकाल के जय हिंद भैया जय हिंद अमन मोटिवेशन ठीक है आइए देखिए अगर हम एक चीज देखें यहां क्या है सत्रह है बारह है और सात दिया है इन दोनों को जोड़े और क्या करें दो से डिवाइड करें तो क्या बारह आ जाएगा ठीक है बारह आ जाएगा अब इन दोनों को हमने जोड़ा सत्रह प्लस सात डिवाइड बाई टू करें तो सत्रह सात क्या चौबीस बटे दो मतलब बारह क्लियर है यह तो लॉजिक है अब यहां देखते हैं कि कौन सा इस लॉजिक पे फिट हो रहा है ऑप्शन ठीक है तो तेईस और उनतालीस क्या हो जाएगा तीन और नौ बारह के दो होगा मतलब अगर दो से डिवाइड करोगे तो बीच में क्या एक आएगा यहां क्या है दो है तो क्या हो गया यह तो नहीं होगा ऑप्शन पहला ऑप्शन तो नहीं होगा फिर चेक किया दो और सात नौ होगा लास्ट डिजिट को सिर्फ चेक कर लो नौ होगा और नौ पे अगर दो से डिवाइड करोगे तो चार नहीं आएगा मतलब यह भी नहीं हो सकता यह तो कट हो गया था नौ नौ अठारह होगा ठीक है अठारह होगा और अठारह को जब दो से कट करोगे तो नाइन आना ना ना चाहिए ना कि एट यहां पे क्या है एट है मतलब यह भी ऑप्शन नहीं होगा बचा क्या ऑप्शन डी चेक करने की जरूरत नहीं है ठीक है पंद्रह और तेईस कितना हो जाएगा अड़तीस और उन्नीस ठीक है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़े अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आइए बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया है सिटिंग अरेंजमेंट का यदि सात मित्र दिए हुए हैं यहां पे एक पंक्ति में बैठे हैं और फिल्म देख रहे हैं ठीक है पी एक अंतिम छोर पर बैठा है थोड़ा ध्यान से देखिएगा सभी लोग पी क्या है एक अंतिम छोर पर बैठा है सात व्यक्ति हैं एक बार इधर बैठ सकता है ठीक है और जब भी कोई डायरेक्शन ना दी हो तो उसको हम क्या नॉर्थ फेस उत्तर की तरफ फेस मान के क्वेश्चन को लगाएंगे ठीक है सभी का फेस किधर होगा उत्तर की तरफ क्लियर तो यहां पर पी ए हो गया तो सात व्यक्ति हैं एक दो तीन, चार पांच छ सात टोटल ये हो गए और एक बार पी इधर बैठ सकता है दो तीन चार पांच सात ये टोटल व्यक्ति हो गए बिल्कुल बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आप देखिए ध्यान से देखिए ठीक है तो ये तो हो गया दो तरीक दो पॉसिबिलिटी बन गई हमने चेक करना है अब क्या आगे बोला है ये तो हो गया पी एक अंतिम छोर पर बैठा हुआ है ये तो हो गया अब बोला है क्यू एस के ठीक बाई ओर बैठा है क्यों क्या है एस के ठीक बाई ओर तो क्यू को अगर हम बना लें एस के क्या है लेफ्ट साइड है जीरो ठीक बाई ओर बैठा है अब ये पोजीशन कितनी है छह पोजीशन है इनमें से कहीं भी बैठ सकता है क्यू और एस ठीक है तो आइए चेक करें अब दोनों जगह फिक्स नहीं है आगे की इंफॉर्मेशन और देख लेते हैं क्या दिया हुआ है आगे की इंफॉर्मेशन देख लो क्या दिया है टी के दाएं से दूसरे स्थान पर है बैठा है पी जो है वो टी के क्या है दाएं से दूसरे तो टी के दाएं अगर हम टी यहां बैठाएं तो दूसरा इधर क्या होगा इधर साइड लेफ्ट होगा और लेफ्ट नहीं बैठेगा यहां बैठेगा टी और ये क्या होगा राइट होगा क्लियर तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो हो गई गलत ये वाली पॉसिबिलिटी तो हो गई गलत क्योंकि यहां पे क्या है लेफ्ट में है और बोला क्या है राइट right में बैठा है ठीक है राइट में सेकंड पे है पी क्लियर तो यह चीज तो क्लियर है आगे देखिए क्या दिया है आगे दिया हुआ है यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है यू जो है वो लास्ट में नहीं बैठा है यू क्या है लास्ट में नहीं बैठा है मतलब यू यहां नहीं होगा ठीक है ये तो पॉसिबिलिटी हो गई हमारी गलत तो यहां पे यू यहां नहीं बैठेगा अब कहां बैठ सकता है एक दो तीन चार पांच हम चार पोजीशन है हमारे पास चार पोजीशन है यू को बैठाने की आइए यू को अब देखिए कैसे बैठेगा ओ जो है ओ आर और टी के ठीक बीच बैठा है क्या है ओ जो है वो आर और टी के ठीक बीच, बीच में बैठा है तो टी यहां पे है ओ को अगर यहां बैठा दें आर यहां बैठ जाएगा यही है देखिए कलर चेंज कर देता हूं मैं ओ को अगर यहां बैठा दे तो आर यहां बैठ जाएगा एक बार तो यह हो सकता है और एक बार अगर ओ को यहां बैठा दे तो आर यहां भी बैठ सकता है ठीक तो इस वाली कंडीशन में देखिए जो सेकंड वाली कंडीशन हमने बनाई है इसमें एस और क्यू एक साथ नहीं बैठ पाएंगे क्या इस वाली कंडीशन में एस और क्यू एक साथ नहीं बैठ पाएंगे तो मतलब ये दोनों ऐसे ना बैठ करके यहां बैठेगा ओ और यहां बैठेगा आर ठीक है क्लियर है यहां तक अब क्या है एस के लेफ्ट में है क्यू तो एस यहां हो गया क्यू बैठ गया यहां पे बचा क्या यू लास्ट में नहीं है तो यू यहां बैठ गया क्लियर अब आंसर क्या हमसे पूछा क्या है क्यू और आर के बीच में कौन बैठा है क्यू और आर के बीच में एस बैठा है ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर है सभी को यह समझ में आया सभी को बताइए जल्दी यस सर लिखिए समझ में आया तो बताइए जल्दी क्लियर है चलिए आगे बढ़े अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जब नंबर से इस तरह से दिए हों इतने बड़े हो तो पहले हमने क्या बताया है यूनिट डिजिट चेक कर लिया करिए यूनिट डिजिट कह रहे डिजिट का सम चेक कर लिया करिए जब भी डिजिट बड़ी आ जाए यहां पे चार या पांच जितने भी आ जाए तो क्या करना है आपको डिजिट का सम करके चेक कर लेना है तो यहां पे देखोगे पांच एक छे और चार दस हो गया इधर देखोगे तो सात आठ और दो दस हो गया मतलब दोनों तरफ क्या है दस है ठीक है यहां चेक करें तो क्या है पांच तीन आठ और एक नौ होना नौ है डिजिट का सम नौ होना चाहिए ऑप्शन में भी जो दिया है इनमें डिजिट का सम कितना होना चाहिए नौ होना चाहिए तो देखिए तीन तीन छह और एक सात तीन तीन नौ एक दस नहीं चार चार आठ और एक नौ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा आंसर बी नहीं क्लियर है बढ़िया चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़िए आगे देखिए दिया हुआ है दिए गए कथन और उसके बाद दी गई धारणाओं पर विचार करें और बताएं कि कौन सी धारणाएं कथन में निहित हैं ठीक है कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट फॉलोड बाय द अजम्पशन एंड टेल विच एजम्पन्स आर इम्प्लीसिट इन द स्टेटमेंट ठीक है अब क्या दिया हुआ है कथन दिया हुआ है गांव एक्स में कुछ और अस्पताल खोलना महत्वपूर्ण है इट इज इंपॉर्टेंट टू ओपन सम मोर हॉस्पिटल इन विलेज ठीक है ठीक है आगे देखिए क्या दिया हुआ है धारणा गांव एक्स में मौजूद अस्पतालों की संख्या इसके निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है हाँ यह एक अवधारणा हो सकती है जो क्या है यह हो सकती है जिसकी वजह से यहां एक्स में जो हॉस्पिटल खोलने की जरूरत पड़ी है ठीक है दूसरा क्या दिया है अधिक अस्पताल होने से गांव एक्स में स्वास्थ्य सेवा संस्थानों की बढ़ती आवश्यकताओं में मदद मिलेगी क्या बोला है दूसरा कंक्लूजन देखिए क्या है क्या है अधिक अस्पताल होने से गांव एक्स में स्वास्थ्य सेवा संस्थानों की बढ़ती आवश्यकताओं में मदद मिलेगी ऐसा कुछ नहीं है ठीक है आवश्यकताएं बढ़ानी है आप बाकी हॉस्पिटल्स में बढ़ा सकते हैं लेकिन पहला वाला क्या धारणा यह बिल्कुल सही हो सकती है कि गांव एक्स में मौजूद अस्पतालों की संख्या इसके निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है इसीलिए हमें और हॉस्पिटल ओपन करने चाहिए ठीक है जितेंद्र मीना भैया ब्लॉक कर दिए जाओगे क्यों परेशान कर रहे हो ठीक है ना करो ऐसा चलिए आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा पहला जो एंजम्पन है इसका सही होगा केवल धारणा एक निहित है ऑप्शन क्या ए हमारा करेक्ट आंसर होगा ठीक है क्लियर चलिए आगे बढ़े अगला देखिए क्या दिया हुआ है नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़ें कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें भले ही वह सामान्यतः तथ्यों में भिन्न प्रतीत होते हैं और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन जो है वो क्या है तार्किक रूप से पालन करते हैं क्या है तार्किक रूप से कंक्लूजन जो है लॉजिकली फॉलो करते हैं तो नर्से केवल लंबे पुरुषों से शादी करती हैं नर्से केवल लंबे पुरुषों से शादी करती हैं अंकित बहुत लंबा है ठीक है अंकित क्या है बहुत लंबा है आगे अब देखिए कंक्लूजन क्या दिया है अंकित की शादी एक नर्स से हुई थी अंकित की शादी एक नर्स से हुई थी हो भी सकती है नहीं भी दूसरा क्या है अंकित की शादी नर्स से नहीं हुई थी दोनों ही बातें बोल दी गई हैं इसमें क्या एक तो अंकित की शादी नर्स से हुई थी और दूसरा अंकित की शादी नर्स से नहीं हुई थी दोनों ही बातों में एक बात तो सही होगी एक बात तो सही हो सकती है क्योंकि अंकित क्या है अंकित लंबा है और से केवल लंबे पुरुषों से शादी करती हैं ठीक है तो हो सकता है कि उसकी शादी नर्स से हुई हो और हो सकता है कि ना हुई हो तो दोनों में से एक बात क्या होगी सही होगी तो क्या है या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो पालन करता है ठीक है या एक या दो बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं सभी के बहुत सही लाजवाब चलिए आगे देखिए क्या दिया हुआ है डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है गोकुल अपने घर से आठ किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है क्या है आठ किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है फिर क्या है वह बाएं घूमता है लेफ्ट टर्न होता है और क्या है लेफ्ट टर्न क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री ठीक है नाइन्टी डिग्री तो यहां पर कितना दो किलोमीटर चलता है लेफ्ट टर्न होता है और दो किलोमीटर चलता है फिर वह दाई ओर मुड़ता है और तीन किलोमीटर चलता है दाई ओर मुड़ता है और तीन किलोमीटर चलता है उसके द्वारा पूर्व दिशा में चली गई दूरी क्या होगी बहुत ही आसान क्या होगा पूर्व दिशा में मतलब ईस्ट साइड आठ और तीन कितनी टोटल आठ और तीन क्या हो जाएंगी ग्यारह ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत बढ़िया क्लियर है चलिए आ भी रहे आंसर आसान सा क्वेश्चन था ये तो अब देखिए क्या दिया हुआ है ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन है लेटर सीरीज का ये हमने कराया भी है आप लोग को तो यहां पे लेटर कितने दिए हुए हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह टोटल सोलह है मतलब चार चार में डिवाइड कर दो ठीक है चार चार में डिवाइड कर दिए और सीधे क्या दिख रहा है लास्ट वाला यहां पे अगर देखोगे तो बीसीडी बी सी और डी डी यहां पर क्या आएगा मतलब डी आएगा तो डी से जो ऑप्शन शुरू हो रहा है वही हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा ठीक है पूरा मैच करने की जरूरत नहीं है आगे बढ़िए अगला देखते हैं हां एक ही पासे की तीन स्थितियां दी हुई हैं अलग अलग बहुत बढ़िया डाइस का क्वेश्चन है क्या पूछा है हमसे अंक पांच के विपरीत फलक कौन सा होगा तो इनमें से कोई भी दो उठा लीजिए और सॉल्व कर दीजिए पांच के विपरीत बोला है कौन से दो उठा ले जो आसान हो जाएगा तो आप देखोगे एक दो से भी कर सकते हो दो तीन से भी तो दो तीन पे आसान क्या है छह और एक दिखाई दे रहे हैं ये क्या है दो कॉमन हुए तो एक दूसरे के पांच और चार क्या हो जाएंगे अपोजिट मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर पांच का अपोजिट चार होगा चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है टाइगर का क्या कर दिया है वी के आई जी और टी ठीक है हम देखते हैं क्या लेटर अगर सेम दिए हुए हैं लेटर मैच करेंगे तो वही हो जाएगा कोड लेकिन नहीं करेंगे तो क्या है अब इनके बीच देखो क्या हो रहा है टी से वी हो रहा है प्लेस वैल्यू याद है तो बीस से क्या बाईस नौ से ग्यारह सात से नौ और पांच से सात अठारह से बीस मतलब प्लस टू का कॉन्सेप्ट चल रहा है क्या प्लस टू का कॉन्सेप्ट अब यहां भी चेक कर लो एक बार दूसरे वाले पे वर्ड पे चेक करना जरूरी है कि लॉजिक हमारा सही है या नहीं तो लाइन से चेक करोगे तो एल प्लस टू क्या हो जाएगा 12 प्लस टू फोर्टीन नाइन प्लस टू इलेवन और 15 टू 17, 14 और टू 16 बिल्कुल सही है F क्या हो जाएगा सिक्स प्लू एच हो जाएगा H से कोई ऑप्शन C दिया हुआ है करेक्ट आंसर क्लियर ऑप्शन C दिया हुआ है करेक्ट आंसर है आगे बढ़ते हैं अगला देखिए क्या दिया है फिर इसमें लॉजिकली फॉलो करता है या नहीं यही चेक करना है कोरिया में निर्मित मोबाइल फोनों में मैक्सटो ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है ठीक है मैक्सटो ब्रांड हैज दाइएस्ट सेल अमॉन्ग मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर्ड इन कोरिया कोरिया की बात हो रही है अब देखें कंक्लूजन क्या है कोरिया में किसी अन्य मोबाइल फोन की गुणवत्ता मैक्सटो जितनी उच्च नहीं है ऐसा कंक्लूजन में बोला गया है क्या नहीं उसमें बोला है मैक्स्ट्रो ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है इसका मतलब यह नहीं कि क्या है इसकी जो है गुणवत्ता जो है इसकी क्वालिटी है सबसे बेस्ट है ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है ऐसा जरूरी नहीं है दूसरा क्या है कोरिया में निर्मित सभी ब्रांडों के बिके मोबाइल फोनों की संख्या ज्ञात है क्या है जब उन सब की नंबर क्या पता होंगे हमें तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे तो यहां पे क्या है सभी की संख्या ज्ञात है मतलब ये क्या होगा लॉजिकली सही होगा सेकंड तो क्या हो जाएगा केवल ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है जितेंद्र भाई मान जाओ क्यों चाहते हो कि ब्लॉक कर दिए जाओ चलिए आगे बढ़िए अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तर्क दिया हुआ है आधार पर क्या है पूर्व धारणाजमशन हमें बताना है ठीक है सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए साल में दो बार डॉक्टरों के विशेष भर्ती अभियान चलाने की योजना बनाई क्या है सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दो बार क्या है विशेष भर्ती तो अवधारणा क्या अजमशन क्या है कई रिक्तियां हैं कई रिक्तियां हैं इसलिए प्लान दो बार बनाया क्या चलिए आइए दूसरा देखते हैं क्या है सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले तो यह सही है क्या बेहतर सुविधाओं के लिए दो बार क्या कर रहे हैं उन्हें प्लान बना रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग क्या करें अभियान चलाएं ठीक है डॉक्टर्स के साथ तो यहां भी क्या हो जाएगा अजमसन दूसरा सही होगा और दूसरा कहां दिया हुआ है ऑप्शन बी दिया है सिर्फ पूर्व धारणा सेकंड अंतर्निहित है ओनली अजम्पन सेकंड इज इंप्लीसिट बी दिया हुआ है बहुत बढ़िया लाजवाब चलिए बढ़िया है संगणक की कट ऑफ सारी कट ऑफ पता चल जाएंगी आपको देखिए क्या दिया हुआ है फिगर विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई अगले स्थान पर आएगी अगले स्थान पर आएगी और क्वेश्चन कहाँ गया भाई यहां क्वेश्चन तो गायब है ऑप्शन सिर्फ दिए हुए हैं सीरीज है ये फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे लग रहा है कुछ टाइपिंग एरर हो गया होगा यहां पे फिगर होने चाहिए थे वो नहीं है ठीक है ए होगा कहां से ऑप्शन दे दें इसमें हाँ आप लोग को पता होगा आप लोग ने स्पीड टेस्ट दिया है ये वाला ए होगा हम जानते हैं सर आंसर याद है चलो बढ़िया है तो ए होगा अगर क्वेश्चन दिया होगा तो ए ऑप्शन लगा लेना ठीक है चलिए आइए यहां देखिए क्या देखिए देखिए क्या होगा आंसर यहां देखिए क्या होगा उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न को फॉलो करता है अब देखो क्या दिया हुआ है अगर पैटर्न देखोगे एक है आठ है नौ है चौसठ है पच्चीस है नंबर्स को देखते ही आपको ध्यान में आ गया होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा ये एक है और ये क्या है आठ मतलब दो का क्यूब है और नौ मतलब तीन का स्क्वायर है और चौसठ मतलब चार का क्यूब है और पांच मत, मतलब, मतलब पांच का स्क्वायर है ठीक है तो ए का क्या होगा ए का स्क्वायर होगा एक स्क्वायर एक क्यूब करते करते यहां क्या हो जाएगा छ का क्यूब मतलब दो सौ सोलह ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्लियर है बहुत बढ़िया चलिए आगे देखिए क्या दिया हुआ है विशेष कूट भाषा में लिखा हुआ है इसको ये और इसको ये लिखा गया है तो इसको क्या लिखा जाएगा अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या दिया होता है अगर सेम लेटर से बना हुआ है क्या है यहां जो लेटर्स दिए हुए हैं और यहां जो लेटर्स दिए हैं और जो वर्ड हमसे पूछा गया है लेटर्स सेम है तो कोड भी क्या होंगे सेम होंगे ठीक है कोड क्या होंगे सेम होंगे तो यहां Q दिया हुआ है और Q का कोड क्या दिया हुआ है देखिए जरा Q का कोड यहां क्या है Q है फाइव तो क्यों क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा फाइव से ऑप्शन कोई शुरू है हा बिल्कुल ए और बी शुरू है सी और डी क्या हो गए गलत हो गए फिर देखे टी टी का देखोगे तो क्या हो जाएगा टी है सिक्स सिक्स हो जाएगा दोनों दिए हुए हैं ठीक है आगे देख लेते हैं एक और लेटर एम का क्या होगा एम यहां दिया है तो फोर क्या होगा सॉरी थ्री होगा क्या होगा थ्री होगा मतलब फाइव सिक्स थ्री वाला हमारा करेक्ट आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बाकी सब गलत दिए हुए हैं ए बिल्कुल सही चलिए आगे बढ़िए ए बी का बेटा है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ए क्या है बी का बेटा है नीचे जनरेशन में है जो कि सी का इकलौता बेटा है क्या है जो कि सी का इकलौता बेटा है मतलब सी क्या हो गया ऊपर हो गए और बी भी क्या हो गया सी का पुत्र हो गया डी सी का पति है डी क्या है सी का पति है सी क्या हो गई माँ हो गई बी की डी का ए से क्या संबंध है डी का ए से क्या संबंध है क्या हो गया दो जनरेशन ऊपर चले गए दादाजी हो गए ग्रैंडफादर ठीक है क्या हो गया दो जनरेशन ऊपर जाते ही ग्रैंडफादर चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़िए आगे देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा और बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है आपको हमको क्या करना है सिर्फ कॉमन देखना है इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ कॉमन देखना है और आपके एग्जाम में इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा हमसे पूछा किसका है? हैबिट का पूछा है तो हैबिट देखिए कहां दिया हुआ है यहां हैबिट नहीं है ए यहां पे हैबिट दिया हुआ है ठीक है? क्या है सेकंड लाइन में हैबिट दिया हुआ है. और हमने देखा, में भी, नहीं है. अगर में भी नहीं है तो एक बार दिया हुआ है तो कोड भी, भी क्या होगा एक ही बार दिया होगा तो कोड अब हम चेक करें तो यह क्या है सेकेंड वाले के लिए फर्स्ट वाले के लिए है अब यहां पर क्या अवॉइड और हार्मफुल का हार्मफुल यहां पर है चेक करोगे तो यहां पे है तो दो कोड तो अलग हो जाएंगे अब इन तीनों में से एक कोड जो होगा वो सिंगल एक बार दिया होगा वीओजी चेक करें यहां दिया है यहां दिया है नहीं दिया है मतलब क्या हो गया ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल बेहतरीन वीओजी वीओजी बहुत बढ़िया राजभर ब्रजेश राजभर मिशन एएलपी यादव भाई बहुत सही सुमन अभिषेक आइए क्या दिया हुआ है फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है जबरदस्त आकाश बहुत बढ़िया चलिए फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन दिया है यहां पे कितने ट्रायंगल एक यहां कितने हैं एक है एक लाइन बीच में खींच दी तो एक ये और दो ये एक दो और तीसरा क्या इन ये बड़ा वाला तो कितने होगा यहां पे तीन हो गए उसी टाइप से यहां दिया हुआ है ठीक है अंदर वाले में एक ये दो ये ठीक है इस वाले की बात कर रहे हैं ये कितने तीन फिर इनकी बात करें तो ये कितने तीन और इनकी बात करें तो ये कितने तीन और तीन, तीन कितने हो गए तीन नौ हो गए ठीक है दस नहीं होंगे भैया नौ होंगे ट्रायंगल क्या कोई भी ट्रायंगल मिलके नहीं बन रहा है ठीक है पहले सिंगल बेसिक फिगर पे निकालो फिर उनको मिला करके चेक करो क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए मिरर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही बढ़िया एरो जब भी इधर बना हो और मिरर दिया हुआ है तो एरो कैसे हो जाएगा यह हो जाएगा एरो ठीक है ट्रैंगल दिया हुआ है इधर चिपक के मतलब इधर हो जाएगा चिपक के अब ये वाला फिगर इधर और ये इधर अब देखिए कौन सा फिगर है ये ऑप्शन ए दिया हुआ है सिर्फ बी गलत है सी गलत है D हो सकता था लेकिन इधर आ गया तो डी भी गलत है क्या हो गया ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया चलिए आगे देखिए क्या दिया हुआ है एक्स की रैंक ऊपर से पंद्रहवीं है रैंकिंग का क्वेश्चन है बहुत बया बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जी बिल्कुल एक्स की ऊपर से रैंकिंग क्या दी हुई है पंद्रहवीं दी है इधर से बना दो लो क्या हो गई एक्स की रैंकिंग पंद्रह अब क्या बोला है और कक्षा में कुल कितने चालीस छात्र हैं यहां मतलब टोटल कितने हैं चालीस हैं ठीक है अब क्या है एक्स कक्षा में एक्स नीचे से क्या है बिल्कुल एक फॉर्मूला सभी को पता होगा क्या टोटल टोटल स्कोल टू क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन अब टोटल दिया हुआ है कितना चालीस अब वन को इधर ले आओ क्योंकि हमें क्या बताना है अब यही फॉर्मूला क्या होता है टॉप एंड बॉटम से लगाओ टॉप से और बॉटम से माइनस वन ठीक है टॉप से क्या हो जाएगा टॉप की रैंक कितनी दी है पंद्रह दी हुई है और चालीस टोटल हो गए प्लस वन और टॉप की रैंक माइनस हो जाएगी पंद्रह आ जाएगा क्या बॉटम से बॉटम से रैंक आ जाएगी तो चालीस और एक इकतालीस माइनस पंद्रह कर दोगे क्या आ जाएगा बहुत बढ़िया छब्बीस बिल्कुल सही क्या ऑप्शन डी करेक्ट आंसर कटाव पता चल जाएगी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ब्लॉक मारो भैया जितेंद्र मीना अब देखिए क्या है क्लॉक का क्वेश्चन दिया हुआ है सुबह के छह तैतालीस बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच न्यून कोण क्या होगा ठीक है सुबह के छह बजे अब हमने क्या बताया था एंगल जब भी पूछा जाएगा तो क्या करते हैं थर्टी एच डिफरेंस इलेवन एम बाई टू यही है एच क्या है छह घंटे है मतलब एक सौ अस्सी घंटा हो गया और मिनट क्या है तैतालीस है तैतालीस है तो डिफरेंस निकालना है इलेवन इंटू फोर्टी थ्री करोगे बाई टू करोगे तो क्या करो मल्टीप्लाई पहले कर लो ठीक है मल्टीप्लाई पहले कर लोगे तो आसान हो जाएगा क्या हो जाएगा तीन ये हो जाएगा और इधर चार और पांच ये हो गया यही होगा चौवालीस और तीन नहीं ये नहीं सैतालीस हो जाएगा ना सैतालीस और तीन अब ठीक है अब क्या हो गया बटे दो हो गया काटोगे काट तो क्या आ जाएगा दो तीन और छमलव पांच यही आएगा तो दो सौ छत्तीस माइनस एक सौ अस्सी करोगे तो पांच आएगा और क्या हो गया छे पांच छप्पन दशमलव पांच क्या न्यून कोड ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया अब कोई जरूरी नहीं आपको इतना पूरा लिखना ही पड़े एग्जाम में ठीक है आप डायरेक्ट क्या करोगे छह में किए एक सौ अस्सी और डिफरेंस निकालोगे इनका मल्टीप्लाई करके बाय टू बस डायरेक्ट आप कर लोगे माइनस करके ठीक है बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और लिखना जरूरी नहीं है ओके सर क्लियर है यहां तक सभी को चौबीस क्वेश्चन हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है अगला एक सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा ठीक है क्या दिया हुआ है एक सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा तो हमने अभी आपको कैलेंडर यूट्यूब पे बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है इसके कोड भी हमने बताए हैं फॉर्मूला क्या है एक बार फिर देख लो 1 सितंबर लिखा हुआ है यही है तो हम क्या करते हैं फॉर्मूला डेट फिर क्या है प्लस मंथ कोड फिर ईयर फिर लीप ईयर और फिर क्या है सेंचुरी कोड डिवाइड बाई सेवन ठीक है फिर अब डेट क्या दी हुई है एक दिया हुआ है और कोड हमने कल ही आपको पढ़ाया है कैलेंडर जीरो तैतीस छे सौ पच्चीस और जीरो ठीक है ये कोड है सितंबर कौन सा महीना होगा नाइन्थ नंबर का तो नाइन नंबर तीन तीन और नौ क्या पांच हो जाएगा तो पांच कोड रख दो यहां पे मंथ कोड हो गया ईयर है बीस फोर से डिवाइड करोगे तो लीप ईयर पता चल जाएंगे कितने पांच पांच हो गए और ये हो जाएगा भाई ये शॉर्ट ही तरीका है आपको बस लिख के मैं बता रहा हूं इसीलिए लंबा लग रहा है ठीक है बिल्कुल इसी तरह सेम पैटर्न क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न की तरह बनाया गया आपका ठीक है जो टेस्ट है एग्जैक्ट एग्जाम की तरह ही बनाया गया है कि आपको बिल्कुल लगे कि हाँ एग्जाम ही ऐसा होता है ठीक है और ये वरुण भाई ये बिल्कुल छोटा तरीका है आप क्या करो छे एक सात कट गए ये बचे तीस बचा क्या दो और डेज बचे ठीक है दूसरा और दूसरा दिन क्या होगा हमारे पास ट्यूसडे होगा मंगलवार ऑप्शन एक करेक्ट आंसर वेंसडे नहीं आएगा ट्यूसडे आंसर आएगा भाई क्लियर है सभी को यहां तक मंगलवार बहुत बढ़िया चलिए तो इतना अब आगे का आपका जीएस का पोर्शन आएगा साइंस का पोर्शन ठीक है मिलते हैं फिर अगली बार जय हिंद जय हिंद सभी को उम्मीद है आप बेहतर होंगे शानदार होंगे मस्त होंगे और आप जानते हैं आरआरबी आरबीएलपी मार्क टेस्ट जीरो टू यानी दूसरा मार्क टेस्ट जो हुआ था लाइव ऑनलाइन जो एमडी डी क्लासेज के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर उसका अभी तक आप देख रहे थे सॉल्यूशन का जो सेगमेंट है कि कैसे क्वेश्चंस को करना है तो आइए इसी संदर्भ में अब हम शुरुआत कर रहे हैं साइंस के क्वेश्चन की तो आज के आयु सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा और एकदम धुआंधार तरीके से और सभी को हर संडे को सुबह छह बजे आके एमडी क्लासेज के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आके ये टेस्ट देना है सभी को टेस्ट देना है इसलिए टेस्ट देना जरूरी है उसे आपका आकलन होगा आप टेक्निशियन की तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी कर रहे हैं एल की आपके लिए ये टेस्ट बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन भी वाजिब है आप देख लीजिए अभी शुरुआत करने जा रहे हैं तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दे एकदम जबरदस्त जब जब धमाकेदार तरीके से लाइक कर यार चलिए लेकर चलते हैं आज के सेशन में साइंस के क्वेश्चन की तरफ तो यह पहला क्वेश्चन जो साइंस का आया हुआ है इसमें पूछा हुआ है कि दी गई आकृति में चिन्हित फल का कौन सा भाग इसे अभासी फल बनाता है दोस्त अभासी फल किसे कहते हैं तो अभासी फल को ही हम कूट फल कहते हैं अभासी फल को क्या कहते हैं कूट फल कहते हैं और इसी को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं तो यही तो सवाल पूछा है तो फाल्स फ्रूट का निर्माण होता कहां से है तो आप जानते हैं फॉल्स फ्रूट का निर्माण होता है पुष्पासन से कहां से होता है पुष्पासन से तो फॉल्स फ्रूट का निर्माण कहां से होता है पुष्पासन से तो ये कौन सा आंसर होगा आप जान रहे जो सी वाला भाग है ये वाला आपका सही होगा ठीक ना ये पुष्पासन वाला भाग सही है क्लियर आगे की बात करते हैं ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से करना पड़ेगा न्यूमेरिकल इसको आराम से पढ़िए कह रहा है फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर वाले एक अवतल लेंस अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस चालीस सेंटीमीटर के साथ संपर्क में रखी 50 सेंटीमीटर वाले उत्तर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए अच्छा साथ में एक उत्तर लेंस रखा हुआ है तो उसकी फोकस दूरी पचास सेंटीमीटर प्लस की होगी कह रहे दोनों संपर्क में रखे हैं तो इनका हाँ, फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर वाले एक अवतल लेंस के साथ संपर्क में 50 सेंटीमीटर का एक उत्तर लेंस रखा हुआ है इस फिगर को ऐसे समझिए एक उत्तर लेंस रखा हुआ है और एक अवतल लेंस रखा हुआ है एक जो है इसकी फोकस दूरी माइनस चालीस सेंटीमीटर है और एक की अवतल दूरी पचास सेंटीमीटर है तो बताना है आपको कि भैया इसकी फो, परिणामी फोकस दूरी क्या होगी ऐसे निकालते वन अपान एफ वन प्लस कितना है इसको एफ वन मान लो इसको एफ टू तो माइनस चालीस प्लस एक बटा पचास एलसीएम निकालोगे क्या आएगा बताओ जो चालीस और पचास दोनों के पहाड़े में है सौ तो आएगा नहीं डेढ़ सौ तो आएगा नहीं दो सौ आएगा दो सौ आएगा चालीस पच्चे दो सौ और पचास चौको दो सौ माइनस एक बटा दो सौ क्या माइनस वन बाई टू हंड्रेड इक्वल तो टू माइनस टू हंड्रेड आ गया तो मतलब, माइनस आने का मतलब क्या हो गया अवतल लेंस. लेंस मतलब हो गया अवतल क्या होता है डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग तो डाइवर्जिंग होगा ये वाला होगा यानी अपसारी होगा अपसारी होगा माइनस का मतलब अपसारी जो प्रकाश को फैला देता है यह कैसा होगा अपसारी होगा तो यहां देखने में खेल क्या कर दिया माइनस का चिन्ह अगर यह माइनस आपसे गलत हो जाए तो आंसर गलत हो जाएगा ना तो माइनस को ध्यान से लगाना है समझ में आया आगे चलिए तो पूछा है पौधों में लचीलापन निम्नलिखित में से किस उत्तक के कारण होता है चार ऑप्शन दिए हैं अगर हम आपसे विभजोतक पढ़ाए हैं वैसे ही आपको पता होगा एक जटिल उत्तक होता है कौन सा उत्तक होता है जटिल उत्तक अब जटिल उत्तक दो प्रकार के एक होते हैं सरल हाँ, जटिल उत्तक ने, उत्तक दो प्रकार के उत्तक दो प्रकार के एक सरल स्थायी उत्तक होते हैं और एक जटिल स्थायी उत्तक होते हैं आपको ध्यान पे होगा जटिल स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं एक को हम कहते हैं जाइलम और दूसरे को हम कहते हैं फ्लोयम्ब एक को हम कहते हैं जाइलम दूसरे को क्या कहते हैं फ्लोएम और ये सरल उत्तक के बारे में चर्चा करें तो क्या होगा काई पैरेन काइमा पैरेन काइमा कोलेन काइमा एस्क्लेरेन काइमा पैलेन पैरेन काइमा कोलेन काइमा और एस्क्लेरेन काइमा याद रहेगा पैरेन काइमा कोलेन काइमा और एस्क्लेरेन काइमा इनको ध्यान पे याद रखिएगा ये, पैरेन कायमा कोलेन कायमा एस्क्लेरेन कायमा याद रखिएगा इन सभी के बारे में ये क्या है भाई तो ये आपके सरल स्थायु तक है ये मृत होता है लिग्निफाइड हो जाता है ये सहारा प्रदान करता है लेकिन प्रण कौन प्रदान करेगा कोलेन कायमा पैरेन कायमा स्टोर करेगा भोजन को भोजन को क्या करेगा स्टोर करेगा पैरेन कायमा तो यहां पर क्या लगा सकते हो भैया तो कोलेन कायमा आंसर नंबर बी क्लियर आपने यही लगाया था बस ऐसे ही मुस्कुरा के जवाब देना है और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एकदम चलिए अगले सेशन के तरफ चलते हैं पूछा हुआ दिमाग में बना लेते हैं बल का न्यूटन सुमेलित है कार्य का जूल सुमेलित है शक्ति का कैंडेला सुमेलित नहीं है तापमान का केल्विन तो यहां पर देख लीजिए शक्ति का कैंडेला नहीं होता तो शक्ति का क्या होता है तो शक्ति का होता है वाट शक्ति का होता है किलोवाट शक्ति का होता है मेगावाट ठीक है यहां पर पूछा है नर जनन तंत्र के बारे में नर जनन तंत्र के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है इसमें से कौन सा विकल्प गलत है वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है सही बात है कह रहा है शुक्राणुओं को यानी म आर प्रोड्यूस इन द टेस्टिकल्स एस्पर्म की प्रोडक्शन कहा होती है टेस्टिकल्स में बिल्कुल स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं शुक्राड़न शुक्राड़ुओ का शुक्रास द्रव और प्रोस्टेट एंड कॉपर ग्रंथियों के स्राव को सम्मिलित रूप से व्रिय कहते सीमेंट कहते सीमेन कहते बिल्कुल सही है लड़का या लड़की होने के लिए पुरुष उत्तरदायी है न कि मां अंडाणु छोटे तथा निष्क्रिय होते ये वाला गलत है ये वाला अंडाणु सक्रिय होता है निष्क्रिय क्यों होता है सक्रिय होगा चलिए अगले सवाल पे चलते हैं किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा ध्यान दीजिएगा चालक का विशिष्ट प्रतिरोध आज इसी पर ऑफलाइन वाले भी, भी पेपर में इसी पर एक क्वेश्चन आया था बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था पूछा है कि भैया विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है तो आप जानते विशिष्ट प्रतिरोध जो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और साथ में तापमान पर निर्भर करता है अगर तापमान को बढ़ाओगे तो भैया प्रतिरोधकता बढ़ेगी तापमान को बढ़ाओगे तो क्या होगा प्रतिरोधकता क्या होगी बढ़ेगी तापमान को बढ़ाने पर प्रतिरोधकता जो होती है बढ़ जाती है इस बात को ध्यान रखना चले और जबकि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है तो प्रतिरोध जो होता है वो रोयल अपान ए पर निर्भर करता है प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है लंबाई पर प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर प्रतिरोध इस पर निर्भर करता है अब अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर चलिए तो आगे की चर्चा करें ये सवाल देखिए इसमें क्या जवाब दोगे कह रहा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ सेल इन अ क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट इज एक बंद विद्युत परिपथ में सेल के टर्मिनलों के बीच संभावित अंतर क्या है सेल के टर्मिनल के बीच एक सेल ले लिए कोई भी सेल ले लिए और उस सेल का जो टर्मिनल है उस टर्मिनल के बीच संभावित अंतर क्या है कह रहा है टर्मिनल वोल्टेज इलेक्ट्रो प्रे, प्रेरक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं इसको विद्युत प्रेरक बल कहते हैं क्या कहते हैं विद्युत प्रेरक बल या इसको सही में तो विद्युत वाहक बल कहते हैं हिंदी में अगर देखा जाए विद्युत वाहक बल क्या होगा भाई आंसर तो इसका आंसर आप लोग बताएं क्या होने वाला है वाहक बल इसका आंसर सही है क्लियर चलिए विद्युत वाहक बल ठीक है अच्छा अगर यही धारा अगर यहां से निकलने लगता तो इसको हम विभवांतर बोलते इसको क्या बोलते विभवांतर बोलते अब ये एक सवाल दिया हुआ है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर 500 ग्राम बर्फ को जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में बदलना है यानी पहले आइस रखा हुआ है और आइस को कन्वर्ट करना है वाटर में टेम्परेचर क्या है यहां पर भी जीरो डिग्री सेंटीग्रेड यहां पर भी जीरो डिग्री सेंटीग्रेड तो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड में और बर्फ की गुप्त उष्मा दी है तीन सौ तीस जूल तीन तीस जूल पर ग्राम अब यहां पर तीन जूल पर ग्राम दिया हुआ है और यह मास कितना दिया 500 सौ तो यहां पर याद रखना गुप्त उष्मा का फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एम एल गुप्त उष्मा का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू हिट और यहां किसको क्या बोलते हैं फ्यूजन तो यहां पर क्या होगा मास हो गया फाइव हंड्रेड और लेटेंट ऑफ़ फ्यूजन हो गया थ्री थ्री जीरो तो ग्राम से ग्राम गया पांच से काटो पांच पंद्रह का पांच हासिल एक पांच थिया पंद्रह एक सोलह और दस की घात तीन एक सौ पैंसठ गुड़े दस की घात तीन जूल यानी ये वाला आंसर आपका हो गया परफेक्ट ठीक है कोई डाउट तो नहीं चले अगले सवाल पे हां बिल्कुल देखिए अपने आप पे भरोसा रख के करेंगे ना तो सवाल आएगा डरने से कुछ नहीं होता है भाई ध्यान दीजिए और देखिए जिसको भी जिस भी प्रकार की क्वेरी है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं अगर आप एलपी के हैं या टेक्नीशियन अगर टेक्नीशियन को लेकर अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन अगर आ रहा है है तो आपसे बस इतनी इसी बात को कहना है कि आप सत्यम सर के बनाए गए चार पांच वीडियो हैं उनको ध्यान से देख लीजिए आपकी हर समस्या सॉल्व हो जाएगी ठीक है चलिए यहां पर पूछा हुआ है आरए का अध्ययन करें और सर्किट का कुल प्रतिरोध की गणना करें यहां दस ओम और बारह ओम दिया हुआ है तो यहां पर आर वन निकालो क्या होगा ऊपर गुणा कर दो नीचे जोड़ दो बाईस हो गया तो इसमें क्या हो गया दो से काटोगे दो पचे दस ग्यारह दुना बाईस अब बारह पचे साठ बटा ग्यारह ओम आ गया यहां पर निकालो क्या आएगा आर टू का मान तो ऊपर हो गया गुड़ा कर दोगे चौबीस नीचे हो गया प्लस कर दोगे तो चौबीस बटा दस दो दशमलव चार ओम चाहिए यहां पर काटोगे तो क्या होगा ग्यारह पचे पचपन ग्यारह पच कितना होगा पचपन पचास हो जाएगा ग्यारह तो हाँ ग्यारह तीन तैतीस ग्यारह चौको चौवालीस चोग ग्यारह चौको क्या होगा चौवालीस हो जाएगा ग्यारह पच्चीस पचपन ठीक है तो यहां पर जब आर इक्लेंट निकालोगे ना तो ये भी सीरीज ये भी सीरीज सीरीज को जोड़ दोगे तो यहां पे आर इक् हो जाएगा आर वन प्लस आर टू आर वन का मान फाइव पॉइंट फोर और आर टू का मान टू पॉइंट फोर सात दसमलो आठ ओम यानी ये वाला आंसर ए टोम आंसर आएगा क्लियर सभी ने जवाब दिया इसका ना किसी का कोई डाउट तो नहीं यहां पे चलिए चलिए आगे चलते हैं यहां पर क्या है कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था क्या होती है तो कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था तो होती है इंटरफे जीवन एस जी टू तेईस घंटे की लेकिन वो दिया नहीं है तो आपसे एम फेज में पूछ रहा है एम फेज में सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है तो एक होती है साइटोकाइनेसिस मेरे मेरे भाई साइटोकाइनेसिस पंद्रह मिनट की घटना है लेकिन इसके अलावा जो कैरियोकाइनेसिस होती है इसमें सबसे ज्यादा देर की घटना क्या होती है तो इसको हम बांटते हैं पीएमए टी प्रोफेज मेटाफेज एनाफेजेज प्रोफेज मेटाफेज एनाफेजेज ज एनाफेजेज प्रोफेज मेटाफेज एनाफेजेज प्रो मेटा एना इसमें सबसे बड़ा क्या है प्रोफेज है प्रोफेज इसमें सबसे बड़ा है मेटाफेज में क्रोमोसोम जो होते हैं ना इक्वेटर पर आ जाते हैं क्रोमोसोम कहां आ जाते हैं इक्वेटर पर इक्वेटर पर और हाँ, बिल्कुल और देखिएगा एनाफेज ये टीलो फेज होता है इंटर यार विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था यहां इंटरफेज है तो सॉरी मेरे से मिस्टेक हो रहा था यहां पे देखिएगा बेटा यहां पर एक मिस्टेक हुआ है ठीक है यहां पर इंटरफेज दिया है इसको पूर्वावस्था कहते हैं सबसे बड़ा यहां पर जो होगा ना मैं ध्यान से छूट गया था ये वाला आंसर होगा इसको पूर्वावस्था कहते हैं क्या कहते हैं पूर्वावस्था ये पूर्वावस्था है ठीक ना ये होगा क्या होगा इंटरफेज होगा प्रोफेज इनमें सबसे बड़ा है एम फेज में लार्जेस्ट कौन सा है प्रोफेज लेकिन ऐसे सबसे बड़ा कौन है इंटरफेज इंटरफेज सबसे बड़ा है इसके लिए सॉरी ठीक है हाँ कौन सा पादप हार्मोन तने की वृद्धि के लिए उत्तरदायी देखिए अगर तने के शीर्ष या जड़ का शीर्ष कहता ना अगर शीर्ष की लंबाई के लिए उत्तरदायी पूछता तो आपको आग जीन बताना था अच्छा कोशिका विभाजन कहता सेल डिवीजन कहता तो आपको क्या बताना था भाई आपको साइटोकाइनिन पत्तियों का गिरना कहता पत्तियों का गिरना फल का पकना या एस्टोमेटा का ओपन और क्लोज होना एस्टोमेटा का क्लोज या ओपन होना तो आप क्या कहते आप कहते कि भैया एमसीसी के सीट लेकिन अगर आपसे कह रहा है क्या कि कौन सा पादप हार्मोन तने की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है तो तने की वृद्धि के लिए जिब्रेलिन जापान में कुरुसावा ने इसकी डिस्कवरी की है ठीक है।, है जिब्रेलिक एसिड टू मुख्य जिब्रेलिन है इसको नोट किया रहना और आगजीन में अगर हम कहें प्राकृतिक आगजीन क्या है तो प्राकृतिक आग्जीन आपको याद रखना है इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटायरिक एसिड कृत्रिम आगजीन क्या है तो नेपथिलीन एसिटिक एसिड या टू फोर डी यह कृत्रिम आगजीन है और यह कैसा है यह प्राकृतिक आगजीन है यह प्राकृतिक यह प्राकृतिक यह कृत्रिम चलिए फुफु सिराए ले जाती है फुफु सिराय किसको ले जाती है तो हृदय से फेफड़ों तक रक्त फेफड़ों से हृदय तक अब देखिएगा अगर हम फुफुस सिरा की बात करें यहां देखिएगा तो फुफुस सिरा क्या करती है सिरा हमेशा ना ब्लड लेकर आने का काम करती है सिरा के बारे में हमेशा याद रखना यह है आपकी फुफुस सिरा और यह क्या करेगी ब्लड को लेकर आएगी कहां से फेफड़ा से यह फेफड़ा से ब्लड को कहां लेकर आएगी बाया अलिंद में बाया अलिंग में तो फेफड़ा से हृदय तक शुद्ध रक्त लेकर आएगी इसी को आंसर देंगे शुद्ध रक्त लेकर आएगी आंसर बी एकदम ऐसे ही जवाब देना है आपको एग्जाम में भी इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है एकदम पूछा है तंत्रिका तंत्र की मूल कार्यात्मक इकाई क्या है तंत्रिका तंत्र की मूल कार्यात्मक इकाई क्या है तंत्रिका तंत्र की कोशिका शरीर मूल तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है न्यूरान है तो न्यूरॉन को बोलते हैं और न्यूरॉन का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है न्यूरोलॉजी कहलाता है और डेंड्राइट्स क्या है जिनको द्रुविकाएं कहते हैं और इसके बारे में आपको पता होगा यही संवेदना को ग्रहण करने का काम करती है संवेदना ग्रहण करने का काम किसका है इसी का है तो संवेदना के ग्रहण करने की काम की आवश्यकता हो तो आप इसी को जवाब देंगे ठीक है चलिए तो आखिरी के कुछ सवाल और बच रहे कह रहा मुख्य अंत श्राविक ग्रंथि किसे कहेंगे मुख्य अंत श्राविक ग्रंथि क्या है बताइए मुख्य अंत श्राविक ग्रंथि तो मुख्य अंत श्राविक ग्रंथि सबसे बड़ी कहे तो इसको बोलेंगे सबसे बड़ी अंत श्रावी ग्रंथि क्या है तो सबसे बड़ी अंत श्रावी ग्रंथि आपकी थैराइड है लेकिन मुख्य अंत श्राविक ग्रंथि क्या है

अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथ कहते हैं है। यहां पर पूछा है जीवाणु जनित रोग को पहचानिए जीवाणु जनित रोग को पहचानना है कैसे पहचानेंगे जीवाणु जनित रोग के लिए एक ट्रिक हमने बताया था आपको वो ट्रिक याद होगा हमने कहा था जीएस मत पढ़ो जीएस मत पढ़ो नया हाल देखो जीएस मत पढ़ो नया हाल देखो अब आइए जी से क्या होता है गोनोरिया जी से गोनोरिया एस से होता है सिफिलिस गोनोरिया सिफिलिस एम से क्या होता है मेनिनजाइटिस टी से क्या होता है तो टी से तीन है अभी बताऊंगा पी से क्या होता है प्लेग डी से डिप्थीरिया एन से निमोनिया होता है निमोनिया कफ और एच से क्या होता है कालरा हैजा होता है एल से क्या होता है लेप्रोसी होता है और बिल्कुल डी से एक और नहीं याद आ रहा है लेकिन टी से तीन होते हैं टीबी होता है टाइफाइड होता है और साथ में आपका टेटेनस होता है ये तीनों जो है बैक्टीरिया से होते हैं टी से पूछा इसमें से कौन जो है हाँ जीवाणु जनित रोग का सही विकल्प है हैजा और ये देखो ये हैजा और मेनिंजाइटिस ठीक है अच्छा निमोनिया और रेबीज रेबीज तो बिषाड़ू से होता है ये भी बिसाड़ु से होता है लेप्रोसी किससे होता है लेप्रोसी कुष्ठ रोग ये भी तो हां बिल्कुल माइकोबैक्टीरियम माइको ठीक ना ये भी तो माइकोबैक्टीरियम से कुष्ठ रोग चलिए ये अभी ज्यादा सही आंसर है कलरा और मेनेजाइटिस यहां पे ये भी आपका जीवाणु से होता है किससे होता है जीवाणु से होता है अगला सवाल दिया हुआ है आधुनिक आवर साड़ी में कौन से ब्लॉक कि जो तत्व है कम विद्युत धनात्मक होते इसका जवाब दीजिएगा कौन से तत्व जो होते हैं कम विद्युत धनात्मक होते आपको बताना है कौन से तत्व जो है कम विद्युत धनात्मक होते बताइए क्या होगा देखिएगा यहां पर एक और बात है इसमें दोनों आंसर सही हैं बेटा ठीक ना यहां पर मैं दोनों आंसर को सही कर रहा हूं ये दोनों आंसर सही हैं यहां पे लेप्रोसी और टेटनस ये भी है लेप्रोसी जो है ना इसको हम माइक्रोबैक्ट्रियम लेप्री यान रोग कहते हैं ये भी आपका रोग या माइक्रोबैक्ट्रियम लेप्री ये चारों यहां पे सही है कालरा और ये सब है ठीक ना हा बिल्कुल यहाँ पे दो आंसर है ये मिस्टेक हुआ है एस टी में इसको मैं सुधरवा दूंगा ठीक है चलिए पूछा है आवर साड़ी में कौन से ब्लॉक का तत्व तो कम विद्युत धनात्मक होता है कम विद्युत धनात्मक तो देखो एस ब्लॉक जो है अब देखो यहां पे लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा लेफ्ट से राइट जाने पर विद्युत धनात्मकता कम होती है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो घटता है विद्युत धनात्मक लक्षण क्या होता है कम होता है तो सबसे बाएं साइड में क्या है राइट साइड में क्या है पी ब्लॉक तो पी ब्लॉक में मेटल भी है नॉन मेटल भी है मेटेलॉइड भी है पी ब्लॉक में सब है तो पी ब्लॉक नहीं होगा क्लियर है कोई डाउट तो नहीं चले आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है हाँ। क्या कह रहा है भाई कह रहा है कि ह्यूमन यूरिन का हल्का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है तो यहां पे आपको जवाब देना है देखो इंग्लिश वाले को मैं लेता हूं यहां पे यूरोक्रोम ये टाइपिंग का मिस्टेक हुआ है यूरोक्रोम इज द करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा यूरोक्रोम यहां पर करेक्ट आंसर होगा यूरोक्रोम ठीक है यूरोक्रोम इसी के कारण हल्का पीला रंग होगा इसी के कारण क्या होगा हल्का पीला रंग होगा यूरोक्रोम वर्ण के कारण क्लियर है कोई डाउट तो नहीं चले आगे तो कह रहा है किसी दिए गए माध्यम में एक ध्वनि तरंग के लिए आवृत्ति दिया है और आपके लिए वेग दिया है आवृत्ति का मान कितना दिया है 8800 सौ हर्ज और वेग कितना दिया है तीन सौ बावन मीटर पर सेकेंड आपसे कह रहा है लेमडा बताओ लेम्डा बताओ तो इस सवाल में कैसे आप निकालेंगे इस सवाल में लेमडा कैसे निकलेगा लेमडा क्या है वेबलेंथ है कैसे निकालेंगे तो यहां पे v इक्वल टू होगा f इन टू लेमडा और लेमडा इक्वल टू वी अपॉन एफ तो वेलासिटी कितनी है 352 और f कितना है 8800 तो ये निकाल लो डिवाइड कर लो कितना आएगा मैं भी कर लेता हूं डिवाइड आप भी कर लो डिवाइड बताओ कितना होगा निकालो कितना होगा यहां पे 352 फिफ्टी टू में डिवाइड करने की मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है आप लोग की इच्छा अगर हो तो आप निकाले जीरो पॉइंट जीरो फोर यानी आंसर नंबर डी यहां पर अगर ये आंसर आपका आया है तो बिल्कुल आपने करेक्ट किया है देखिए एक एक सवाल चुन चुन के आए हैं और हमारी कोशिश है कि जो भी संभावना है वो सब मिलजुल ठीक किया जाए हर समस्या का समाधान सही तरीके से होना चाहिए और क्वेश्चन भी क्वेश्चन को भी ध्यान से देखते रहना बीस मीटर की ऊंचाई तक दस किलो की एक वस्तु ले जाने के लिए किए गए कार्य की गणना कीजिए तो अगर यहां पर कार्य निकालना है तो W बराबर कैसे निकालोगे एमजीएच से निकालोगे मास कितना है मेरे भाई 10। और g का मान कितना दे रहा है 9.8। और हाइट दे रहा है 20। डेसिमल हट जाएगा 20 से गुड़ा कर लो तो 8 दुना 16 का 6 हासिल एक दो नौ अठारह एक उन्नीस उन्नीस सौ साठ जून यानी ये वाला आंसर और देखना है कह रहा है अब यहां देखना है तो यहां पर ध्यान देना है जब भी आप ऊपर लेकर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल आपका नीचे लग रहा है वस्तु कहां जा रही है ऊपर तो दोनों के बीच का थीटा एक दूसरे के अपोजिट हो गया यानी 180 डिग्री का जब थीटा होता है ना तो वो आपका कितना लगता है वहां पे कार्य कैसा होता है ऋणात्मक होता है तो इस तरह से हम लोग उन्नीस क्वेश्चन कर चुके ये आखिरी क्वेश्चन है बताइए यहां पर क्या आखिरी नहीं है अभी पांच क्वेश्चन और है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है सभी धातुएं तन्य होती हैं सभी अधातुए तन्य होती हैं तो धातु का गुण क्या होता है तो मेटल के पास मेलियबिलिटी का गुण होता है सब कुछ ट्रिकी माध्यम से समझिए अघात वर्धनीयता पीटने पर बढ़ता है ई e से क्या होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव टी से होता है तन्यता ए एल से क्या होता है लश्चर चमक और एस से होता है सोनोरस आवाज तो यहां पीटने पर क्या आता है आवाज आता है लश्चर मतलब क्या होता है चमक ये सब धातु के गुड़े हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया बस धातु का नाम याद करिए धातु के गुण याद होंगे इससे आसान तरीका आसान ट्रिक कोई पढ़ाए तो कहिएगा देखिए सारा कुछ उसके नाम में कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है सभी धातु तन्य है बात तो सही है सभी धातु तन्य है एक मरकरी तन्य नहीं है बाबू आल मेटल्स आर डक नॉन मेटल, मेटल आर ये तो गलत है जनरली मेटल्स आर डक कुछ गैर धातु तन्य यही वाला आंसर सही है देखो यही वाला आंसर क्या होगा यहां पे सही होगा ठीक है हाँ अब इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है इसमें बेल मेटल के लिए और यहां पे ट्रिक किया हुआ है वैसे ये सही भी है बेल मेटल अगर आपसे कहता है तो बेल मेटल हम किसको चुनते हैं कापर और टीन को लेकिन अगर आपसे हम कह दें गन मेटल किसको चुनेंगे तो इसमें एक और ले सकते हो कापर जिंक और टीन का जंक्शन अगर हम आपसे ब्रास कह दें तो आप क्या ले लोगे ब्रास में कॉपर और जिंक हो जाएगा अगर हम आपसे ब्रॉन्ज कह लें सबसे ज्यादा परेशान यही करते हैं ठीक ना ब्रॉन्ज कह लें क्योंकि इसमें सब कुछ एक जैसा लगता है बेल मेटल और ब्रॉन्ज लगभग आपको एक जैसे ही दिखाई देते हैं ठीक ना बेल मेटल तो आप यहां से चीजें जो है आराम से कर पाओगे ठीक है कोई डाउट तो नहीं चलिए चले आगे चलिए अंतर है इसमें बेल मेटल में 25 परसेंट वाला रेशियो होता है 4 वन का रेशियो होता है नहीं बेटा ये वाला तो मिस्टेक हुआ यार आमतौर पर धातुएं लचीली होती है ये नहीं होगा यार देखो मेरा ध्यान नहीं था यहां पे यहां पर ये यह गलत यहां पे कुछ धातुएं तन्य होती हैं ऐसे होना चाहिए था यहां पर इसको मैं सॉरी इसके लिए पे ये सही होना चाहिए था सभी धातु तन्य है नहीं मरकरी तन्य नहीं है मरकरी तन्य नहीं है सभी तन्यता होती नहीं ये पूरा स्टेटमेंट नहीं था कुछ गैर धातु तन्य होती डक्टाइल आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है कुछ ऐसी नॉन मेटल है यहां पे पर रुक जाओ यार आमतौर पर धातु लचीली होती है एक मिनट कुछ गैर ये भी नहीं होगा यार यही सही है सॉरी यही सही है कुछ गैर तन्य होती है कोई गैर धातु ऐसी दिख नहीं रही है जो तन्य होगी यही वाला सही था यार मैं आम तौर पर धातुए लचीली होती है वैसे डक्टाइल का मतलब होता है तन्यता खींचने का गुड़ ये लचीलापन डक्टाइल से नहीं लिया जा सकता ठीक ना तन्यता यहां पर लेना चाहिए था तन्यता लेना चाहिए था शब्द का चयन यहां पे थोड़ा सा और अच्छा होता तो मजा आता तन्यता का गुड़ लेना चाहिए था ठीक ना तन्यता का गुड़ लेना चाहिए था चलिए आपसे तीन क्वेश्चन और बच रहे हैं यहां पर देखो क्या हो गया आ जाओ हाँ। कृत्रिम वर्षा कौन कराएगा कृत्रिम वर्षा कौन कराएगा बताओ कृत्रिम वर्षा तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड सिल्वर पोटेशियम नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट कॉपर सल्फेट कौन ऐसा है जो आपके लिए कृत्रिम वर्षा कराने का काम करता है आर्टिफिशियल रेन किसके द्वारा होगा आप सभी को बताना है आर्टिफिशियल रेन सभी को आता है सभी जानते हैं जिसका इस्तेमाल हम फोटोग्राफी प्लेट में भी करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट व्हाइट फोटोग्राफी प्लेट में उसी का इस्तेमाल यहां भी करेंगे ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी के लिए करेंगे उसी का इस्तेमाल यहां भी करेंगे ठीक है उसी का इस्तेमाल हम यहां भी करेंगे ठीक है चलिए आगे का सवाल है उभयधर्मी ऑक्साइड का सही उदाहरण क्या है उभयधर्मी ऑक्साइड अगर हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में बात करें एम्फोटेरिक तो क्या होगा उभयधर्मी ओ टू जिंक ओ टू जेड एन ओ एल्यूमिनियम एल टू ओ थ्री ये सब होंगे तो यहां पर फॉर्मूला ऐसे लिखा जाना चाहिए एल टू ओ थ्री एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये तो आसान है ये आप कर सकते हैं एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिडिक भी हो और जो बेसिक भी हो अम्लीय के साथ साथ भी होता है ये अम्लीय भी होता है और साथ में कैसा होता है क्षारीय भी तो अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है पूछा है कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है बताओ पहले सांप किससे सांस लेगा मनुष्य किससे सांस लेगा बंदर किससे सांस लेगा चार ऑप्शन है एक एक करके जवाब दो क्या चुनोगे यहां पे देखो मानव को और बंदर को हटा दो तो दो ऑप्शन आपके पास हट गए तो दो ऑप्शन आपके पास बच गए बच गए ना हाँ कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है किसको चुनोगे यहां पर ठीक है तो यहां पर आप देखिएगा त्वचा से सांस लेने वाले के तौर पे केचुआ को चुनोगे बिल्कुल सही है चलिए आगे चलते हैं पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य समूह में विटामिन बी ट्वेल्व का समृद्ध स्रोत है तो विटामिन बी ट्वेल्व का समृद्ध स्रोत क्या है जी सर, ठीक। तो यहां पर विटामिन का समृद्ध स्रोत दूध और मांस में, फल और सब्जियां में दाल और अनाज में उपयुक्त तो यहां पर सब्जियां और फल में विटामिन बी ट्वेल्व का ज्यादा अच्छा स्रोत होता है साइनोकोवाला मिन है ठीक है तो आपको याद रखना है और इसी के साथ ये आपके साइंस के सवाल हो गए कुछ जीके जीएस के सवाल आपके सामने हैं आइए हम लोग जीके जीएस में कुछ करंट अफेयर भी हैं कुछ हिस्ट्री भी है जीके जीएस के सवालों को भी देख लेते हैं मात्र दस सवाल हैं जल्दी जल्दी देखा जाए और आपको इसमें थोड़ा तेजी के साथ एनर्जी के साथ इसके आंसर देने हैं हां बिल्कुल तो चलिए शुरुआत करते हैं अंतरिक्ष यान मून स्नीपर किस देश का है अंतरिक्ष यान मून स्नीपर अभी आप जानते हैं कि लूना एक और गया था रसिया ने एक भेजा था जब भारत से चंद्रयान गया तो रसिया को लगा इनसे इनसे पहले भेज इन बाद में भेजकर इनसे पहले उतर जाएंगे रशिया से जहाज उड़ा और चंद्रमा पर जाने का क्या है रसिया से जहाज उड़ा और आप जानते हैं कि रास्ते में ही रह गया जापान ने जब भेजा है तो जापान का क्या था कि भैया मैं एग्जैक्ट पॉइंट पर भेजूंगा इसने कहा कि मैं यहां से चंद्रमा का लोकेशन फिक्स करूंगा और यहां से भेजूंगा एकदम स्नाइपर की तरह जो जाकर कहां पर जाके गिरेगा जहां पर बोलूंगा वहां जाकर उतरेगा तो जापान ठीक है हाँ चलिए क्लियर है चलिए आगे वाले सवाल की तरफ चलते हैं इसका जवाब देना है आपको क्या होगा पैरा विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप दो का आयोजन किस देश में किया गया तो देखिएगा चार ऑप्शन है उज्बेकिस्तान पाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान तो विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियन 2023 का आयोजन जो है उज्बेकिस्तान में किया गया कहा गया देखिए इसके बारे में तो कुछ कहना शब्द की कीमत ही कम होगी बाकी तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में तो हुआ नहीं था यहां पर क्या था भैया उज्बेकिस्तान अब यह सवाल का जवाब आपको देना है पूछा हुआ है क्या कि भैया भूटान के दोबारा प्रधानमंत्री को क्या किसने चुना गया बताइए इसमें से कौन ऐसे है जिसको हाँ भूटान का दोबारा प्रधानमंत्री दूसरी बार चुना गया वैसे भूटान में आप जानते हैं राजा वाला जो पद्धति है अभी भी भूटान में चल रहा है और भूटान के जो राजा हैं जिग्मे सिग्मे वांगचुक वाला कहानी तो आप जानते ही हैं यहां पर जो राजा चुना गया है शेरिंग तोबगे तोबगे और भूटान एक ऐसा देश है जहां पे निगेटिव कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है नेगेटिव कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है उत्सर्जन होता है नेगेटिव कार्बन डाइऑक्साइड का निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य त्रिपुरा राज्य से संबंधित नहीं है कौन सा लोक नृत्य ऐसा है जो त्रिपुरा राज्य से संबंधित नहीं है आपको बताना है त्रिपुरा राज्य से संबंधित नहीं है इसमें से किसको चुनेंगे त्रिपुरा राज्य झारखंड वाले जो बच्चे देख रहे होंगे वो बताएं क्या है जो त्रिपुरा राज्य से संबंधित नहीं है सरहुल जो है त्रिपुरा राज्य से संबंधित नहीं है इसका सही जवाब क्या होगा सरहुल और सरहुल किससे संबंधित है भैया तो आप जानते हैं सरहुल जो है झारखंड से संबंधित है सरहुल किससे संबंधित है झारखंड से संबंधित है क्लियर यह चैत में अमावस्या के महीने में मनाया जाता है सरहुल चैत में चैत क्या होता है बिल्कुल चैत से ही शुरुआत होती है चैत के अमावस्या महीने में सरहुल मनाया जाता है और झारखंड राज्य का यह उत्सव है झारखंड राज्य का यह त्योहार है अगला सवाल है रेमन मैगसेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है रेमन मैगसेस अब देखिएगा रेमन मैगसिस पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम भारतीय का नाम इसमें से किसको चुनेंगे तो आप सोच के बताइए जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी आर के लक्ष्मण किसको चुनोगे महात्मा गांधी नहीं बिनोबा भावे बिनोबा भावे भूदान आंदोलन आप जानते हैं भूदान आंदोलन ग्राम दान आंदोलन ये जानते हैं ना आजादी के बाद की जो चीजें हुई भैया जिनके पास जमीन नहीं था उनको जमीन उनके लिए जमीन उपलब्ध कराने में विनोबा भावे का बाद में बड़ा योगदान रहा है यहां पर है विश्व पृथ्वी दिवस वैसे देखो 22 मई को मनाते हैं जय विविधता दिवस 22 मई को क्या मनाते हैं जैव विविधता दिवस कहते हैं ठीक है सर अच्छा 22 अप्रैल को मनाते हैं क्या बाईस मार्च को मनाते हैं क्या बाईस मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस विश्व जल दिवस और बाईस अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस अर्थ डे विश्व पृथ्वी दिवस और यहां पर यह होगा कहेंगे सर जी पांच जून को क्या मनाते हैं हाँ पर्यावरण दिवस पांच जून को क्या मनाते हैं पर्यावरण दिवस और आप जानते हैं उन्नीस में सबसे पहले स्टॉक होम के सम्मेलन में यह डिसाइड किया गया था कि पांच जून को क्या मनाया जाएगा हाँ पांच जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा और फर्स्ट पर्यावरण दिवस उन्नीस में मनाया गया था उन्नीस में वैसे जय विविधता अधिनियम 2002 में आया था जय विविधता अधिनियम भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है आपसे पूछा है भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? आपको जवाब देना है उससे पहले आप जवाब दीजिए मैं आपको कुछ फिगर दिखा देता हूं हाँ यहां पर देखिएगा भारत के बंदरगाहों से रिलेटेड कुछ फिगर आपके सामने ठीक है पूछा है भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है तो ये भारत के तेरह बंदरगाह की खासियत है जिनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए बिल्कुल अब इन तेरह बंदरगाहों में भारत का हाँ बिल्कुल भारत का कृत्रिम बंदरगाह कांडला है मंगलूर है चेन्नई है हल्दिया है सबके बारे में आपको देखकर बताना है कौन सा है बताइए भाई सबसे हां मंगलूर होगा या चेन्नई होगा क्या होगा किसका जवाब आपने देंगे यहां पर तूती कोरीन देंगे क्या देंगे हल्दिया देंगे देखिएगा देखिएगा तूती कोरीन के बारे में बात करें तूती कोरीन तूती कोरीन इसी का नाम नया नाम जो है चिदम्बनार है चिदम्बनार रखा गया है चिदम्बनार ठीक ना यही भारत का क्या है कृत्रिम बंदरगाह है भारत का क्या है कृत्रिम बंदरगाह है तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है मुंबई है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है कांडला बंदरगाह का नाम नया नाम है दीन दयाल बंदरगाह कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है दीनदयाल बंदरगाह ऐसा मत सोचिएगा यहां बंदर रहते हैं ऐसा नहीं सोचना है यहां पर क्या रहते है बंदर अब देखिएगा मंगलूर आकार के दृष्टि में सबसे छोटा बंदरगाह है हल्दिया जो है एकमात्र नदी बंदरगाह है हल्दिया जो है एकमात्र तो नदी पर स्थित बंदरगाह है नदी पर स्थित बंदरगाह है कोलकाता में है मान पश्चिम बंगाल में है ठीक है यह एक नदी पर स्थित बंदरगाह एकमात्र नदी पर स्थित बंदरगाह है पूछा हुआ है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर अगला क्वेश्चन देखिएगा दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था तो कहते हैं कि दे दी तु आजादी बिना खडग बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल देखिएगा, बहुत सारे लोगों जो हैं महात्मा गांधी के विचारों से असहमत हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे एक लाइन उनकी बहुत अच्छी लगती है कि देश की आजादी तक उन्होंने हजारों दिन उपवास हजारों उपवास हुए पैदल चले लोगों को जोड़े लेकिन ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद हो अपने परिवार को आगे किया हो अपने परिवार के लोगों को मंत्री पद दिया हो प्रधानमंत्री बनाया हो उन्होंने अपने परिवार के लिए अपने अपनों के लिए नहीं किया मुझे ये एक लाइन लगती है तो इनको आप जानते हैं सही जवाब क्या है ठीक है तो बिल्कुल बाकी लोगों आपकी इच्छा अलग होगी आप अलग जानते आपके बारे में विचार अलग होंगे अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था इसका जवाब दीजिएगा भाई जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त करने वाला मुगल बादशाह क्या था कौन था भैया अंतिम रूप से समाप्त करने वाला जजिया कर आप जानते हैं, जजिया कर किस पर लगाया जाता था गैर मुस्लिम आप तो इसमें क्या होगा मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला कौन था मोहम्मद शाह रंगीला था और यह द्वितीय पंचवर्षी योजना की अवधि क्या है देखिएगा अगर पंचवर्षी योजना की अवधि आपसे पूछी जाती है तो आपको ध्यान पर रखना है सारी पंचवर्षीय योजनाएं अब आप जानते हैं नीति आयोग का गठन हो चुका है पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो चुकी है तो यहां पर 2017 के बाद से पंचवर्षीय योजनाएं नहीं आई है तो ये आखिरी सवाल यह है कि भैया पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 दूसरा जो था 1956 से लेकर 1961 तीसरा था 61 से लेकर 66 और थ्री एनुअल प्लान यहीं पर आप जानते हैं सरकार बदल जाती है और यहां पर मामला अलग सरकार का आता है वो तीन साल के लिए अलग एनुअल प्लान लेकर आती है तो यहां पे 56 से लेकर 61 तक यानी ऑप्शन नंबर डी तो ये जीके जीएस के सवाल थे जिसको मैं आपके सामने लेकर आया था तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं उम्मीद करते हैं हाँ बेहतर होंगे 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 मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो चलिए रहेगा, रहेगा, अच्छा हमने दिए थे और आपको ये पूरा सॉल्यूशन का, का अच्छा तो लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में अपने विचार दीजिएगा और हर संडे के सुबह छह बजे एमडी क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन के फ्री टेस्ट सीरीज में जाके सुबह टेक्नीशियन हो या ए एल हो टेस्ट जरूर देना है अगर आप लखनऊ या आसपास में हो तो भैया एकदम टेस्ट सेंटर पे पहुंचना है और ऑफलाइन मोड में भी आप टेस्ट दे सकते हैं ऑनलाइन तो देंगे ही देंगे जहन सभी को मस्त रहे जबरदस्त रहे जिंदाबाद रहे कैसा लगा ये सेशन कैसी लगी ये क्लास जरूर बताइएगा जहन सभी को जिंदाबाद मस्त रहे जबरदस्त रहे कमेंट सेक्शन में पूरी तरह से एकदम कहते हैं ना कि दिल का टूटा साज बदल दो जीने का अंदाज बदल दो तो इस बार आपको जीने का अंदाज बदल देना है और एक लाइन और कि जब आग लगी हो सीने में तभी मजा है जीने में जब अपने आंखों के अंदर एक सपना जो देखा है ना एल पी या टेक्नीशियन का बड़ी शिद्दत से ये नौकरी आई है बड़े इंतजार के बाद ये वैकेंसी आई है इस बार पूरा करना है हमसे मेरी कसम खा सकते हो अब से आपकी कसम खाते हैं कि छः घंटा डेली पढ़ेंगे आठ घंटा डेली पढ़ेंगे आप मेरे लिए एक बार ऐसा सोच के लगातार आप डेली अगर मेहनत कर दिए ना तो कुछ बेहतर कर दोगे कुछ अच्छा कर दोगे कुछ शानदार कर दोगे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में आप जुड़े ऐसे ही आबाद रहें मस्त रहें जिंदाबाद रहें आप सभी जो हैं ऐसे ही मुस्कुराते रहें थोड़ा कैसी लगी क्लास आप बता दीजिएगा जय हिंद धन्यवाद